हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर विद अनुष्का। गाइस हाउ आर यू, होप यू ऑल आर फाइन। गाइस वन ऑफ योर रिकमेंडेशन अबाउट दी प्लांट हार्मोन्स पे मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब भी पढ़ाती तो ये टॉपिक आता ही, बट उससे पहले ही किसी का रिकमेंडेशन है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों को अगर किसी चीज़ में भी किसी भी तरह से मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल हो रहा है तो मैं हमेशा ट्राई करूँगी कि आपको जिस टॉपिक में भी प्रॉब्लम हो मैं उसे क्लियरली एक्सप्लेन करूँ। तो इसलिए आज का टॉपिक जो हमने लिया है वो फाइटो हार्मोन्स है, इट मीन्स प्लांट हार्मोन्स। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों के बारे में जानने से पहले बहुत ज़रूरी है समझना कि हार्मोन्स होते क्या हैं, हार्मोन्स का काम क्या है, प्लांट्स को क्यों हार्मोन्स चाहिए, और डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट्स में होते हैं, और इनका प्लांट की बॉडी में क्या यूज़ है। इफ़ वी सॉर्ट आउट ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन देन डेफिनेटली आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू गिव आंसर इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स एंड व्हाट आर हार्मोन्स एंड व्हाट आर ऑक्सिन, साइटोसिन, जिब्रालिन, हाउ द प्लांट ग्रोथ्स आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड। देन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं प्लांट हार्मोन्स को लेकर कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्लांट के इस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हार्मोन्स का काम क्या है, बॉडी में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बॉडी के ऑर्गन्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे सही से काम करें इतने बड़े शरीर में, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे हायर ग्रेड पे पहुंचते जाता है उसके बॉडी में हर एक चीज़ का सिस्टम अलग होता है। इट मीन्स आपके हार्ट के लिए आपको सर्कुलेटरी सिस्टम दिया है, मतलब ब्लड को सर्कुलेट या फिर ट्रांसपोर्टेशन के वर्क के लिए। सेंस के लिए आपके पास नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जस्ट टू इनहेल, सांस लेने के लिए। उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इन जितने भी इतने सारे सिस्टम बॉडी में एक साथ वर्क कर रहे हैं, ये सभी अपना काम सही से कर रहे हैं या फिर नहीं, या फिर इनमें क्या प्रॉब्लम है, इन सबों को जानने के लिए हमारे बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से ही हमारा ग्रोथ, जैसे अब हेयर ग्रोथ है, नेल्स का ग्रोथ है, या फिर अगर स्किन पे कहीं कोई पिंपल आ रहा है, कहीं रैसेज आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं बॉडी में आपकी होती हैं। इट मीन्स कि बॉडी को कंट्रोल करना, हर ऑर्गेन को सही वे में काम करने के लिए जो ज़रूरी केमिकल होता है उस केमिकल को ही हम हार्मोन्स कहते हैं। तो एज ए डेफिनेशन आप देख लें, आपको इस कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा कि प्लांट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स ग्रोथ होती है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इट मीन्स प्लांट में समन्वय, उनके हर एक ऑर्गन्स में संतुलन बना के रख सके, उसमें समन्वय बना के रख सके। मैं गाइस डेफिनेटली ट्राई कर रही हूँ हिंदी में बोलने की, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मतलब टर्म्स और टॉपिक्स तो बुक में भी इंग्लिश में दिए हुए होते हैं, बट आप समझ नहीं पाते हो फिर अगर इंग्लिश में कंटिन्यू मैं बोल दूँ तो। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कि कंबाइंड रूप में बोलूँ, तो इंग्लिश में लिखे हुए मिल जाएंगे। को कंट्रोल्ड वे में वर्क करना, हर ऑर्गन को कंट्रोल्ड वे में फंक्शन करवाना, ये काम होता है हमारे हार्मोन्स का। तो प्लांट्स में जो भी हार्मोन्स या फिर जो भी केमिकल सब्सटेंस इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मैनेज करते हैं या फिर चेक करते हैं या फिर इसके होने में हेल्पफुल होते हैं, उन केमिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। एक्चुअली ये हार्मोन्स बने किस चीज़ के होते हैं और बनते कहाँ पे हैं? हार्मोन्स हमेशा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जो भी केमिकल कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है उन सारे केमिकल्स को हम कैसा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन होता है ये केमिकल्स का। जो भी जितने केमिकल्स हमारे एटमोसफेयर में, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जिसका कि कॉम्पोजिशन, इट मीन्स जो बने हुए होते हैं कार्बन के और हाइड्रोजन के, इन दोनों मिक्सचर से बने हुए जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो हार्मोन्स क्या है, हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो कि बनते कहीं और हैं और उनका यूज़ कुछ और होता है। इट मीन्स ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पे उनका फॉर्मेशन हो रहा है सिर्फ वो उस चीज़ के लिए हेल्पफुल है या फिर उस ऑर्गेन के लिए हेल्पफुल है। इनका फॉर्मेशन किसी भी प्लेस पे हो सकता है बट इनका यूज़ हमेशा अलग होता है। ओके गाइस, तो ये था प्लांट हार्मोन्स के बारे में। अब देखते हैं प्लांट्स में कितने डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। फाइव डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हार्मोन्स है जो कि प्लांट के ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग और वो उनका लीफ जो गिरता है वो, या फिर उनके बॉडी के जितनी भी एक्टिविटी जो आप प्लांट्स देखते हो परफॉर्म करता है उसको मैनेज करता है। तो उसे मैनेज करने के लिए कितने हार्मोन्स हैं प्लांट्स में, मेन पाँच हैं। द फर्स्ट वन इज ऑक्सिन, सेकेंड जो है जिब्रालिन है, थर्ड साइटोकाइनिन है, जो है वो है इथाइलिन, और फिफ्थ एब्सेसिक एसिड। तो कौन कौन सा था, ऑक्सिन, साइटोसिन, जिब्रालिन, एब्सेसिक एसिड और फिर इथाइलिन। ठीक,
अब इन जितने भी ये पांच हार्मोन्स हैं, इन पांचों हार्मोन्स का फंक्शन अलग अलग है, इनकी एक्टिविटी अलग अलग है, इनका फॉर्मेशन बॉडी प्लांट बॉडी के प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में होता है। तो इन पांचों हार्मोन्स के बारे में बहुत डीपली हम लोग इनका फंक्शन क्या है, इनका वर्क क्या है, प्लांट बॉडी में ये क्यों है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही कि प्लांट हार्मोन्स क्या थे, प्लांट में कितने टाइप के हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स का यूज़ क्या है। तो हमें आपको ऑक्सिन, साइटोसिन और जिब्रेलिन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियोज़ होंगे उनमें आएगा आपको जिब्रेलिन, सॉरी इथाइलीन, एब्सेसिक एसिड और भी दो हार्मोन है जो कि सब्सिडियरी हैं, प्लांट में फ्लावरिंग के लिए हेल्पफुल हैं, तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी। थैंक्स गाइज़।